अम्बाजी का दर्शन करके आप जा रहे जेतपुर। जेतपुर पहुँचते ही मनोज जी सोलंकी जी ने हमारा स्वागत किया और उनका परिवार भी उत्साह में था। इतना दूर महाराष्ट्र से जाने के बाद गुजरात में भी ऐसा स्वागत हमें मिला, प्यार मिला, उनका अपनापन मिला। गुजरात में चाय पिलाने के लिए ये किसको क्या बोलते हैं इधर, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या प्लेट, ये चाय की प्लेट बोलते हैं इधर, रकाबी, तो इसको रकाबी बोलते हैं गुजराती में। गुजराती में रकाबी में चाय पिलाने की इधर पद्धत है। महाराष्ट्र में हम कब से चाय पीते हैं, पूरा घर का माहौल जैसा, कोई अच्छा मेहमान आए हैं तो कप में चाय देना का ऐसा कुछ भी नहीं, पूरे घर के लोग आपस में बैठ के पी रहे इस प्रकार। अच्छा अच्छा, आज गुजरात में सुबह सुबह 6 बजे सोमनाथ जी का दर्शन किया, उसके बाद में आ गए गिरनार। गिरनार आने के बाद अंबाजी माता का दर्शन किया, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे सीताराम जी के दोस्त है मनोज जी सोलंकी साहब, इनका गहरा दोस्ताना है, इनका 4 दिन से मैं सुन रहा, हर बार फोन करके कहाँ तक है, कहाँ तक है, इधर से आ रहे, कब आ रहे, ऐसा सब चल रहा था। इन्होंने मुझे पूछा कि अपन जा सकते हैं क्या, मैं बोला सोमनाथ से आते वक्त अपन जेतपुर जाएंगे। महाराष्ट्र की मराठी और गुजरात की गुजराती दोनों का बढ़िया यहाँ पे दोस्तारा हो गया और आज दोनों की मुलाकात भी हो गई। मनोज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो इतने दूर से महाराष्ट्र से आए और इन्होंने हमारा जो स्वागत किया, चाय पिलाया और उसके साथ साथ प्रेम भी दिया, इसके लिए उनका मैं और हम सब महाराष्ट्रवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। त्यानंतर या मनोज जीच्या धर्मपत्नी आहेत, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी चहा आणून आम्हाला आमचं स्वागत केलं, त्याच्याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद। हर सोलंकी मनोज जी का बेटा आहे, त्यांची सुद्धा आता या ठिकाणी भेट झाली, तो हर सोलंकी से भी मुलाकात होगी। हमारे पास भी 2 टेलर है, ये पीएल टेलर है और ये सीताराम जी की धर्मपत्नी। मैडम हमारे घर के घर पे भी सिलाई मशीन है, लेकिन वो खाली दिखाने के वास्ते, ये सिलाते कपड़े, ये कमाई के वास्ते, ये दिखाई के वास्ते, ऐसा तो अच्छा हो गया आज आ गए, उनसे मुलाकात भी हो गई आपसे। गुजरात मधील आणि विशेषतः जेतपूर मध्ये जी प्रसिद्ध डिश आहे तिला म्हणतात गुगुरा, आणि ही गुगुरा डिशचा नाश्ता त्याने आमच्यासाठी आणलेला आहे, इकडे दाताना दिलेला आहे। हे आमचे देवरावजी गवळी देशमुख साहेब, भगवान भाऊ, मनोज भैया के पापा जी है, वो भी आज भी आ गए, उनसे भी मुलाकात हो गई। गुगुरा खा रहे क्या, गुगुरा अच्छा लग रहा है ना, गुजराती में बात करो। देवराव जी ये तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा।